हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सॉल्यूशन। कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं मोबाइल के अंदर रिज्यूम किस प्रकार बनाएं, रिज्यूम किस लिए यूज़ होता है। रिज्यूम हम जब भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तब हमें रिज्यूम की ज़रूरत होती है, किसी भी कंपनी में जॉब के लिए। रिज्यूम बनाने के लिए हमें क्या करना है, रिज्यूम बनाने के लिए हमें पहले प्ले स्टोर से रिज्यूम के लिए एक ऐप डाउनलोड करना है। इसे हम किस प्रकार अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, चलिए हम बताते हैं। रिज्यूम तैयार करने के लिए हमें प्ले स्टोर के अंदर पहले रिज्यूम ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्ले स्टोर के अंदर रिज्यूम PDF टाइप करेंगे। तो ये देखिए, ये फर्स्ट में आ गया रिज्यूम PDF मेकर है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे हम। देखिए, हमने रिज्यूम PDF मेकर इंस्टॉल कर लिया है और इसे ओपन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए आपको यहाँ एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ क्या आया हुआ है, इसमें प्रोफाइल नेम सेलेक्ट ऐड प्रोफाइल है, तो यहाँ अपना प्रोफाइल नेम टाइप करेंगे हम। अब मैं यहाँ पे प्रोफाइल नेम दे देती हूँ, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोफाइल नेम दे दीजिए और ओके पर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए इस प्रकार हमारे पास पेज ओपन हो गया है। ये देखिए, अब हमारे जैसे हमने अपना प्रोफाइल नेम टाइप कर दिया था तो अब इसके अंदर इस प्रकार ये प्रोफाइल ओपन हो गई है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या दे रखा है, नेम है, तो हम यहाँ नेम टाइप कर लेते हैं। इसी प्रकार आगे क्या दे रखा है इसने, मेल आईडी, आपकी जो मेल आईडी है वो आप अपनी मेल आईडी टाइप कर लीजिए, जो जीमेल आईडी होती है। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर दीजिए इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्या है, जेंडर पूछ रखा है इसने, मेल या फीमेल, तो हम यहाँ फीमेल कर देंगे। मैट्रिक स्टेटस सिंगल या मैरिड, सिंगल कर देंगे। फिर अपनी पासपोर्ट डिटेल है वो आप टाइप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है। फिर नेक्स्ट क्या है, सिटी, आप कौन से सिटी से हो। फिर स्टेट, आपका जो भी स्टेट हो आप स्टेट टाइप कर दीजिए। पिन कोड, जिप कोड, एरिया कोड, तो ये आप अपना एरिया का पिन कोड टाइप कर लीजिए। यहाँ नेशनलिटी, आप यहाँ इंडिया से तो इंडिया से। आगे नेक्स्ट क्या है, यहाँ अपलोड फ़ोटो, यहाँ अपनी कोई इमेज है वो अपलोड की कर दीजिए। अगर आपकी कोई इमेज पहले से ली हुई हो तब इमेज अपलोड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्या आ गया, यहाँ सिग्नेचर, अगर आपने सिग्नेचर पहले से बना रखा है उसकी इमेज है तो आप यहाँ से सिग्नेचर इमेज ले सकते हैं। अगर नहीं है आपने कोई पहले सिग्नेचर इमेज तैयार कर रखी है तो आप यहाँ से भी सिग्नेचर अपना ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हम ड्रॉ सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार आ गया, यहाँ आप अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, हमने ड्रॉ सिग्नेचर पर क्लिक कर लिया तो ये देखिए आप यहाँ अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, मैं अपना कोई सिग्नेचर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस प्रकार मैंने अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए, हमने यहाँ तक अपनी सारी डिटेल फिल कर दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और रिज्यूम दे रखा है, तो ये देखिए आगे हम क्लिक करेंगे तो क्या आ गया, रिज्यूम हेडिंग एंड समरी, तो ये आप रिज्यूम के बारे में पूछ रहे हैं, आप अपने रिज्यूम की हेडिंग और समरी के बारे में बता दीजिए सारा।
ये अब समरी टाइप कर देंगे हम यहाँ कोई भी अपनी रिज्यूम की। अब आके नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, करियर ऑब्जेक्टिव। ये अपने करियर के बारे में आप कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ इसमें प्लस किया, ये देखिए इसमें बहुत सारा दे रखा है, लेकिन हमें अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकते हैं वहाँ पर। इस प्रकार बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एजुकेशन। ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे आप अपने एजुकेशन यहाँ फिल कर दीजिए जो आपकी एजुकेशन की हुई है आपने। ये देखिए डिग्री इंस्टीट्यूट कौन से कॉलेज से की हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, परसेंटेज वगैरह सब हो जाएगा। फिर ओके कर दीजिए, आपकी एजुकेशन डिटेल फिल हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, वर्क एक्सपीरियंस। आपने पहले कोई जॉब कर रखी हो तो उसका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ फिल कर देंगे हम और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, प्रोजेक्ट्स। इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर किस प्रोजेक्ट पे पहले जॉब करते थे, वर्क करते थे, उस प्रोजेक्ट का नाम फिल कर दीजिए और आपका क्या रोल था, आप कौन सी पोजीशन पे थे वो, और आपकी टीम कितनी थी वो सब टाइप कर देंगे हम। फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम, स्किल्स एंड अदर्स। आप अपनी स्किल्स के बारे में टाइप कर दीजिए, आपकी क्या हॉबी है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, यहाँ सब फिल कर देंगे। आपका कौन से एरिए में इंटरेस्ट है तो उस वो सब चीज़ें अपनी डेली रूटीन्स की बातें सब शेयर करके हम इसमें फिल कर देंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, यूज़र डिफाइंड फील्ड्स। अपनी डिफाइंड कर दीजिए आप यूज़र भी, आप क्या अपनी पोजीशन वगैरह के सारी फिल कर देंगे हम यहाँ। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है, रेफरेंस। आप कोई रेफरेंस दे दीजिए यहाँ। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, रेफरेंस करेंगे तो ये देखिए रेफरेंस में भी आप अपना नेम, ऑर्गेनाइजेशंस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ टाइप कर देंगे। पे जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिक्लेरेशन। यहाँ आप अपना डिक्लेरेशंस दे दीजिए कि आपने जो फील किया है अपनी डिटेल्स है, वो डिटेल्स बिल्कुल सही है, इसके बारे में डिक्लेरेशन दे देंगे। ये देखिए इस प्रकार आप इसमें से कोई भी अपनी डिक्लेरेशन दे सकते हैं, जैसे मैंने ये दे दिए, आप इस प्रकार दे दीजिए। फिर आप इस पर सेलेक्ट का निशान, जो सेव का निशान देखा है, इस पर सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ये देखिए मैंने एक बार आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ही अपना रिज्यूम तैयार किया है, आप अपनी मर्जी से कितना भी रिज्यूम में डिटेल फिल करके कर सकते हैं। और इस प्रकार आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो ये देखिए आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, आपको किस फॉर्मेट में अपना रिज्यूम तैयार करना है। ये हमारा रिज्यूम रेडी हो गया। इसके बाद ये देखिए यहाँ क्या देखा है, पीडीएफ फाइल। हम इस पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पीडीएफ फाइल में ड्राइव में जाएंगे, ये ओपन हो रहा है। ये देखिए इस प्रकार ये पीडीएफ फाइल हमारी ओपन हो गई है और इस फाइल को आप फिर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये देखिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ये इस प्रकार हमारा पेज प्रिंट होके आ जाएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।